कश्मीर में चार दिहाड़ी मजदूरों की हत्या, ये कितनी दुखद खबर है और इसके क्या मायने हैं, आइए इस पर बात करते हैं। पहले तो ये देखिए, इस हत्या को लेकर कश्मीर की बात करने से ज्यादा जरूरी है कि हम बिहार की बात करें, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, जिन्होंने कहा था कि 370 हटाने से आतंकवाद खत्म होगा, जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड यानी उसका राज्य का दर्जा छीन लेने से वहां कश्मीरी आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी लाने से आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। आखिर क्या हुआ, क्यों मारा जा रहा है वहां आम आदमी? उसमें बिहारी भी मारे गए हैं, उसमें कश्मीरी भी मारे गए हैं, लेकिन एक बिहारी जो अपना देश छोड़, जो अपना राज्य छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाकर दो पैसा कमाने जाता है, वो मारा जाता है, गरीब बिहारी, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक और बात, जब जब इस देश में चुनाव होगा कहीं भी, अक्सर सीमा पर, बॉर्डर पर सैनिक मरेंगे, उसमें भी बिहारी, बिहार यूपी के लोग, अभी भी बिहारी मर रहा है। मतलब बिहारी क्या किसी राजनीतिक दल के हित के लिए कोलेट्रल डैमेज बन चुका है? मतलब एक ऐसा बलि का बकरा जिसकी बलि कभी भी ली जा सकती है? नीतीश कुमार और बिहार के डबल इंजन सरकार को कुछ कहना इस मामले में अपना सर पत्थर पे मारने के बराबर है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल जब कोरोना में पलायन करके श्रमिक दिल्ली, मुंबई, पंजाब से बिहार आ रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक पैकेज घोषित किया था 30 लाख करोड़ रुपए का। उसके बाद हमारे यहाँ जो भाजपा के नेता है, वो सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार हो, तमाम लोग बिहार के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उन्होंने कहा कि इतना पैसा मिल रहा है कि अब बिहारियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, वो बिहार में ही रह के कमाएंगे। क्या हुआ उस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का? उससे भी पहले 2014 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बिहार को दे रहे थे। क्या हुआ उस पैसे का? क्यों आज बिहारी अपना घर छोड़कर हजार, 2,000, 3,000 किलोमीटर दूर जाकर गोलगप्पा बेचने का या कुछ छोटा मोटा काम करने का काम करता है, ताकि उसका परिवार चले? लेकिन चूंकि बिहारी पलायन का एक इतिहास रहा है, इस देश के जो गिरमिटिया प्रवासी थे वो भी बिहार से गए थे सूरीनाम और मॉरिशस जैसे देशों के गन्ने के खेत में काम करने, तो भारत का कानून भी बिहारियों को या आम भारतीयों को अधिकार देता है कि वो कहीं भी जाकर काम करें। ये सब बातें ठीक है, लेकिन 15 साल, 20 साल, 20 साल होने को है डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, मनरेगा जैसा कानून, सब कुछ है, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी है, बावजूद इसके एक आम बिहारी अपना घर द्वार छोड़कर बाहर जाने को मजबूर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लालची, सत्ता के लालची राजनीतिक दलों के लिए कोलेट्रल डैमेज बन चुका है। मतलब एक ऐसा बलि का बकरा जिसको राजनीतिक लाभ के लिए कभी भी उसकी बलि ली जा सकती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर में अभी जो स्थिति बनी है, बनी नहीं है बल्कि बनाई गई है, यही स्थिति 89 में थी, जब बीपी सिंह की सरकार थी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, वो वक्त भी भाजपा बीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रही थी, और वही वक्त था जब वहां से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। आखिर किस तरह के 56 इंच का सीना है, किस तरह की ये मजबूत सरकार है, किस तरह के हमारे गृह मंत्री है, किस तरह के हमारे ये 56 इंची प्रधानमंत्री है कि जिनके 7 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जहां कश्मीर में बिहारी मजदूरों को मार दिया जाता है, जहां आज भी कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है, ये कैसे मजबूत सरकार है, ये कौन सा 56 इंच का सीना है? तो सब पर जीवाड़ा है, ये सब धोखेबाजी है, ये सब आम लोगों को कोलेटरल डैमेज बनाकर राजनीतिक हित साधने की कोशिश है। जब चुनाव होगा तो कहीं सीमा पर बिहार यूपी का सैनिक मरेगा,
पुलवामा का अटैक आज तक उसकी सच्चाई बाहर नहीं आई है। पुलवामा का गुनहगार देवेंद्र सिंह, उसके साथ क्या हुआ, उसका सच आज तक देश को नहीं मालूम है। आज फिर चुनाव है तो आज फिर बिहारी मर रहा है कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर। लेकिन मसला राजनीतिक तो है ही, मसला मानवीय भी है। मानवीय यह है कि आखिर बिहार में जो 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, जो विकास की बातें करती है नीतीश कुमार की सरकार, आखिर ऐसा माहौल क्यों नहीं बना पाते कि किसी बिहारी को 200-400 रुपए कमाने के लिए अपना वतन, अपना घर, अपना परिवार न छोड़ना पड़े। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में आम आदमी कोलेट्रल डैमेज है। कोलेट्रल डैमेज यानी बलि का बकरा इन गिद्धों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए जो सत्ता के सौदागर है। कुछ लोग मौत का सौदागर कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें सत्ता का सौदागर कहता हूं। सत्ता के सौदागर जो सत्ता की साजिश करते हैं, और ऐसी साजिश करते हैं जिसमें आम आदमी मारा जाता है। कश्मीर की घटना, कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है, वो मेरी बात छोड़िए, जाइए और सुनिए सत्यपाल मलिक की बात, वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में जो हो रहा है वो हो नहीं रहा है, वो करवाया जा रहा है। वरना देश की आधी से अधिक सेना जब कश्मीर में डिपटा है, वहां पर इस तरह से आतंकियों की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो लगातार खून खराबा करें। तब जब केंद्र जब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तब जब वहां से 370 हटाया जा चुका है, तब जब वहां नोटबंदी का असर है, होना चाहिए, आतंकियों की कमर टूटनी चाहिए, लेकिन वो क्या है? तो क्या हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री, हमारा केंद्र सरकार ये सब झूठ बोलते हैं? ये सब सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं और आम आदमी को अपने सत्ता के लिए, अपने सत्ता के लालच के लिए बलि का बकरा बनाते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है, आप इस पर विचार कीजिए। नमस्कार।